नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। बिहार में कोरोना पीड़ितों की बात अगर करें तो बहुत तेजी से कोरोना पीड़ितों की संख्या यानी पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के हाथ पर फूलने लगे हैं। लगातार तेजी से बढ़ते मरीजों और पॉजिटिव की संख्या के कारण बिहार सरकार सख्ते में आ गई है और अब तक के आंकड़ा के मुताबिक 5455 मरीज बिहार में कुल हुए हैं। और आज की बात अगर करें तो 91 यानी 91 मरीज आज बढ़े हैं। अगर जिलावार बात करें तो रोहतास में 6, गोपालगंज में 11, कटिहार में 17, बेगूसराय में 9, पटना में 6, नवादा में 12, बांका में 13, सुपौल में 5, भागलपुर में 5, समस्तीपुर में 2, मुंगेर में 5 सहित अन्य जिले में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लॉकडाउन ठीक खुलने के बाद लगातार तेजी से मरीजों में वृद्धि हो रही है। लॉकडाउन खुलते लोग यहाँ वहाँ जाने लगे, लेकिन मरीजों की वृद्धि के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। लोग इस बात को सोच रहे हैं करें तो क्या करें। भीषण गर्मी साथ ही साथ पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि के कारण आम लोग के साथ साथ प्रशासन भी अब सकते में आ गई है। क्या चर्चा आम हो चुकी है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है? क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है और उचित होगा? इस विषय में आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों यारों को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।